वेलकम टू प्रवीगा एजुकेशन. आई वेलकम टू यू ऑल बिकॉज दिस इज फॉर दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रवीगा इंस्टीट्यूट. एंड आवर मंत्रा इज सिर भवति कर्मजा, एंड दैट इज लाइक अ लाइफ लेसन, एंड विच मीन्स दैट सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन. ओके, सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन. सो आई मीन द वर्ड सिद्धि इज नॉट ओनली फॉर सक्सेस, इट इज ऑल्सो टू यू नो किस चीज में आपको अगर परफेक्शन, यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट इन एनी थिंग, यू वॉन्ट टू बी क्लोज टू द परफेक्शन, सो यू हैव टू डू एक्शन. ओके, सो दैट इज आवर मंत्रा. तो लेट अस प्रोसीड विद दैट एंड माई नेम इज आलोक, एंड आई हैव डन पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, एक इस टॉपिक को लेके एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन है और वो एक बर्डन भी बन जाता है. ठीक है, सो दैट इज द नॉलेज ऑफ वेक्टर एंड कैलकुलस, विच टुगेदर वी कॉल वेक्टर कैलकुलस. सो दैट्स व्हाई मैनी फैकल्टीज, व्हाट दे डू, दे टेक 15 और 16 ऑड क्लासेस एट द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड देन दे कम टू एक्चुअल टॉपिक. दिस टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्चुअली इट बिलोंग्स टू इंजीनियर्स एंड फिजिसिस्ट, एंड वी एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉन्ट टू कम टू फिजिक्स. वी डोंट वॉन्ट टू रिमेन टू मच इन टू मैथमेटिक्स, राइट? सो कई बार वो जो एक्साइटमेंट है वो चला जाता है मैथमेटिक्स करते करते. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू इज कि द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द क्वांटिटी व्हेन यू स्टडी दैट इन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, एक्चुअली वो होती नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के रेस्पेक्ट में कोई चीज सिखा रहा हूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्चुअल फीलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की दे रहा होगा. या फिर मैं कहीं अगर इंटीग्रल ए डॉट डी एक्स करा रहा हूं, सो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमें कोई फिजिकल यू नो इनसाइट दे रहा होगा वो इंटीग्रल. सो व्हाट आई हैव प्लान, एंड यू कैन ऑल्सो दैट व्हाट आई हैव प्लान इज दैट आई विल बी कीपिंग द मैथमेटिक्स नॉट बिफोर बट वेन एवर इट विल बी रिक्वायर्ड, I will be introducing it. I have been doing it with other topics also. And इससे आपको क्या होगा कि जो मैथमेटिकल बैगेज है वो थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में आएगा. दैट विल कम इन टू पार्ट्स एंड एक्चुअल उसी जगह पे आएगा जहां उसकी जरूरत है. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट इन अ बेटर वे, राइट? सो दैट विल बी आइडिया. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे स्फेरिकल, पोलर, सिलिंड्रिकल एंड ऑल अदर स्टोक्स लॉ, गॉस लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, ग्रीन्स फंक्शन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. सो अभी उसमें लेके जाना और उसको पढ़ाना, मुझे नहीं लगता है कि आपको वो रियलाइजेशन एक्चुअल हो पाए. जब उसकी जरूरत जहां पे आएगी, उससे पहले हम उसको उसको डिस्कस करेंगे और बार बार डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग which should be taught only once and it will finish. That has to come again, and then only you will realize its importance. Okay? So you all agree with this, what I'm saying? Yes, sir. You can Yes, sir. respond Yes, sir. also. So I will actually I will start with a very brief introduction of the simplest of the three rectangular systems, and that is known as Cartesian coordinate system, जो कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री से आता है.
ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके और फिर उसके बेसिस पे क्या हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें हम चले जाएंगे। ठीक है, सो एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद अ क्वांटिटी दैट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड, राइट? एंड फॉर सच क्वांटिटीज डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फॉर सच क्वांटिटीज डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो अ वेक्टर क्वांटिटी इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड वॉट इज एग्जाम्पल ऑफ सच क्वांटिटी? एग्जाम्पल इज फोर्स, एनी टाइप ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल इज फील्ड, इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट? सो आई कैन पुट वेक्टर्स ऑन दिस, सो दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर। एग्जाम्पल इज टॉर्क। दीज क्वांटिटीज विल कम, इसके बारे में टेंशन अभी नहीं लेना है, ये क्वांटिटीज सारी आने वाली हैं। एंड देर आर सो मैनी अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज वेक्टर पोटेंशियल एंड एक्सेट्रा। ठीक, लॉट ऑफ अदर क्वांटिटीज विल कम, दीज क्वांटिटीज रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जैसे ही बात डायरेक्शन की आती है, सो हाउ यू विल टेल द डायरेक्शन एंड हाउ यू विल टेल द मैग्नीट्यूड, सो डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री वी नीड डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, एंड द यूज दैट डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, सो द एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ द सिस्टम, राइट? सो फॉर द फर्स्ट वन आई विल टेक इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो आई विल टेक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूक्लिडियन सिस्टम, दैट विल बी द फर्स्ट वन, एंड देन टू मोर सिमेट्रीज आई विल डिस्कस आउट ऑफ मैनी अदर्स। ये मत समझना कि तीन ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, देर आर सो मैनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। सो सेकेंड विल बी सर्कुलर सिलेंड्रिकल, ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देर आर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल पैराबोलिक सिलेंड्रिकल, फॉर एग्जाम्पल हाइपरबोलिक सिलेंड्रिकल, बट वी विल कंसिडर ओनली सर्कुलर सिलेंड्रिकल। एंड देन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दीज थ्री वी विल डू। जैसे जैसे इसकी पढ़ती जाएगी ये तीनों हम करते जाएंगे। ठीक है ना, सो ये हमारे प्री रिक्विजिट में आ जाएगा कि जो मुझे आज का होगा। तो आई विल डू दिस मच टूडे एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड आई विल जंप टू EMT। सो ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा था कि आपको दिमाग में मैथमेटिक्स का ज्यादा बोझ नहीं डालना है, वो बोझ मैं धीरे धीरे करके आपके ऊपर डालूंगा। ठीक है ना, सो सिर्फ कार्टेशियन शुरू में करना है और देखना है कि इससे हम क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि ओवरऑल जो मेथड होगा उसमें मैथमेटिक्स का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कैलकुलस का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसको कैसे पढ़ना है और उसको कैसे अप्रोच करना है। ओके, वो मैं आपको पार्ट्स में करूंगा। ओके, सो अब जरा देखते हैं, बिफोर कमिंग टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ये हमारा पूरा सिलेबस क्या दिखता है, हाउ इट लुक्स लाइक। सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, हाउ दिस होल थिंग लुक्स लाइक, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड जैसे आप तुरंत सोचते हो क्लासिकल है, क्वांटम है, रिलेटिविस्टिक है, हर फील्ड में दिस हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज अ सक्सेस स्टोरी बिकॉज इसी को देख के हमें बिलीव होता है कि यूनिफिकेशन चीजों के पॉसिबल है, इसको रिलेटिविस्टिक डोमेन में ले जाया जा सकता है, वहां कैलकुलेशंस की जा सकती हैं।
चीजों को क्वांटम डोमेन में ले जाया जा सकता है, वहां पे कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। इट हैज इंस्पायर्ड ऑल अदर फील्ड्स, क्योंकि इसका डेवलपमेंट बहुत आगे आगे हुआ है, सो इट हैज इंस्पायर्ड ऑल अदर फील्ड्स की फॉर्मुलेशन किस तरह से किया जाए। इट हैज इंस्पायर्ड ऑल अदर फील्ड्स दैट हाउ द फॉर्मुलेशन शुड बी डन, राइट। सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई विल डिवाइड इट इन फ्यू पार्ट्स। अब देखो, इसमें एक और गलती आप कई बार करते हो, आप टू मच ऑफ डिविजन करते हो एंड देन यू डोंट नो व्हाट इज ब्रॉड डिविजन। सो जो मैंने क्लासिकल क्वांटम रिलेटिविस्टिक बता दिया आपको, अगर आप क्लासिकल डोमेन में पढ़ रहे हो, इट इज क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर आपने उसको रिलेटिविस्टिक डोमेन में लेकर गए, तो इट इज रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और अगर आप उसको क्वांटम डोमेन में लेके गए, इट इज क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और अगर आप क्वांटम और रिलेटिविस्टिक दोनों केसेस, मान लो सिचुएशन ऐसी है कि पार्टिकल इज मूविंग वेरी फास्ट, एट द टाइम इट इज वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, देन यू विल यूज क्वांटम रिलेटिविस्टिक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो ये दिस हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी, पूरी तरीके से बढ़िया फॉर्मुलेशन है, सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड अराउंड इज मेड अप ऑफ दिस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थिंग्स। हमारे चारों तरफ की सारी दुनिया, अगर आप ध्यान से देखोगे, बिकॉज इन ऑल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इन ऑल ऑफ द केमिकल्स, दिस इलेक्ट्रो डायनेमिकल फोर्सेस दे डोमिनेट। सो दैट्स वाई वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ दिस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट। नाउ हाउ वी विल डिवाइड, सो ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सो सॉरी, जस्ट जस्ट वेट। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, देन मैग्नेटो स्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल बी डीलिंग विद, सो यू नो इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक्स रुका हुआ, सो द चार्ज विल बी स्टैटिक। सो व्हाट एवर वी यू स्टडी, लेट अस कीप इट इन दिस। और जब हम इसके पास आएंगे, तो हम इसके अंदर ब्रांचेस में जाएंगे। तो पहले आप ब्रॉड लेवल पे समझो कि व्हाट ऑल वी हैव टू स्टडी। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन इज मैग्नेटोस्टैटिक्स, एंड देन थर्ड वन इज कंबाइनिंग बोथ, व्हिच इज दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट। सो व्हेन यू नो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये यूनिफिकेशन हो गया, दिस इज यूनिफिकेशन, ओके। एक दूसरे के इफेक्ट साथ में आ गए, सो दिस इज पॉइंट नंबर थ्री। देन फोर्थ वन विल बी द मैक्सवेल्स इक्वेशन, कंबाइनिंग ऑल, दिस विल बी लाइक अ यूनिफिकेशन। सो आई एम जस्ट मेकिंग यू द ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ओके। सो इट विल बी मैक्सवेल्स इक्वेशन, एंड देन यू विल चेंज द फॉर्मुलेशन। सो यहां तक फॉर्मुलेशन बिल्कुल सेम है। अभी मैं बताता हूं व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन फॉर्मुलेशन। यहां पे हम फॉर्मुलेशन आके बदल देते हैं। फॉर्मुलेशन इज अबाउट पोटेंशियल एंड फील्ड्स, पोटेंशियल एंड फील्ड। सो हेयर यू चेंज द फॉर्मुलेशन, यू हैव वन स्केलर पोटेंशियल एंड वन कैपिटल ए, सो होल ऑफ द फॉर्मुलेशन चेंज पोटेंशियल एंड फील्ड, राइट। एंड देन यू हैव, सो यू हैव स्केलर एंड यू हैव वेक्टर पोटेंशियल फॉर्मुलेशन। सो यहां दिस चैप्टर इज जस्ट अबाउट फॉर्मुलेशन, नथिंग एल्स। देन यू हैव, व्हाई यू हैव दिस फॉर्मुलेशन, बिकॉज यू वांट टू स्टडी रेडिएशन, और रेडिएशन को पुराने वाले फॉर्मुलेशन में स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इसलिए हम नए फॉर्मुलेशन में आ जाते हैं, वी मेक न्यू फॉर्मुलेशन वी एंड ए, एंड फर्दर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी नए तरीके से डिफाइन कर लेंगे, मैथमेटिक्स बिकम्स दी। सो दीज ऑल आर मैथमेटिकल थिंग्स, ओके। सो वी विल डिफाइन न्यू फॉर्मुलेशन, एंड देन कम्स और सेवेंथ,
again a new formulation, which is D. Lambert's formulation. D. Lambert's formulation. And finally, after this formulation, you can see all the complicated cases. So I can put, I can just put this formulation back to back, this VA and then D. Lambert's formulation, and then all the topics like radiation and relativistic electrodynamics. Because like, if you want to work in radiation, you want V, A. इस formulation के बगैर ये study नहीं कर सकते. इस formulation में ये complicated हो जाए. और अगर आप relativistic domain में जाना चाहते हो, then you need another formulation, that is D. Lambert's formulation. So कई बार आपको mathematics करते करते ये समझ जाता कि ये क्यों V और A introduce हुआ है और क्यों why this D. Lambert's formulation is introduced and आप इसी मैथमेटिक्स में स्टक हो जाते हो. सो दैट इज बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टडी इन ग्रेट डिटेल द रेडिएशन एक्सेट्रा. और इन सब के ढेर सारे एप्लीकेशंस हमें पढ़ने. तो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन. सो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन वी आर डूइंग ओनली टू थिंग्स, राइट? इन टर्म फॉर्मुलेशन वी आर डूइंग जस्ट टू थिंग्स. सो वॉट इज दिस फर्स्ट वन? अभी देखो, सबको एक साथ एक बार देखना जरूरी, और उसके बाद हम एक एक करके उसमें जाएंगे. सो इलेक्ट्रोस्टैट मींस वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी विल कैलकुलेट एंड वी विल कैलकुलेट फोर्स. प्लीज सी दिस. सो आप दूसरे फील्ड्स में भी फाइनली एनर्जी तक जाते हो. एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ सिस्टम विच यू वॉन्ट टू स्टडी. And then energy you study in different forms, different ways में energy को लिखते हो ताकि अलग अलग चीजें समझ सको उस system के बारे में. So finally this formulation तक हमें जाना है, because energy scalar quantity है, इसमें deal करना आसान है, और ये physical quantity, this is a physical quantity. Like, और बीच में कई सारी ऐसी quantities आ सकती हैं जिनकी उतनी physical meaning ना हो. ठीक है, can correlate it with psi of quantum mechanics, right? You can correlate it with psi of quantum mechanics, where you don't understand all of the things, right? In between psi आ रहा है, psi का मतलब नहीं पता, but जब उससे average distance, energy levels, etc. जब आप calculate करते हो, तो you understand of that quantity. Once the probability density comes, you understand everything. So similarly, few quantities will come in between. और इसी तरह से मैग्नेटेट में, यू नो, मैग्नेटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट, एंड देन अगेन वी विल गो टू एनर्जी एंड लाइक दैट. सो अभी सारी चीज फोकस मत करो. दिस इज द आउटलाइन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बाकी चीजें जो इनके सब टॉपिक्स हैं वो इनमें आने दो. शुरू से ही बहुत ज्यादा डिटेल्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. Is that okay? Yes, sir. ठीक है ना? Okay. So now, for electrostatics, we need all type of coordinate systems. But just to begin with, let us this the rectangular coordinate system. Rectangular. कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो मैंने पहले आपको सिर्फ इसलिए बताया था कि अगर पूरा का पूरा इसी समय डिस्कस करना शुरू कर दें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर, उनका एरिया, उनका छोटा छोटा वॉल्यूम, देन यू विल बी स्टक इनटू मैथमेटिक्स. सो लेट अस डू स्मॉल, लेट अस स्टडी स्मॉल दिस, एंड देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस, राइट? द किस फॉर्मुलेशन से हम क्या कर सकते हैं. व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? रेक्टेंगल, you know, symmetry is like that. So we have three axes here. All this, just ye revision hoga. X, Y and Z axis is there. And this is the origin. All these axes are orthogonal. Okay. Orthogonal.
दे फॉर्म द बेसिस वेक्टर, किसी पॉइंट का एड्रेस हम इससे बता सकते हैं, एंड वी विल फॉलो द राइट हैंड सिस्टम. ये भी ध्यान रखना, किसी एक्सिस की डायरेक्शन फिक्स नहीं रह जाएगी. तो वी फॉलो राइट हैंड सिस्टम, वी विल गो लाइक दिस एक्स वाई एंड जेड. प्लीज रिमेंबर, ओके, वी विल फॉलो दिस राइट हैंड सिस्टम एक्स वाई एंड जेड. सो नाउ कोई भी पॉइंट पी अगर है इसमें, यू हैव अ पॉइंट पी, सो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट पी? इस पॉइंट पी का एड्रेस क्या है? सो एक्स वाई जेड. इस पॉइंट पी से दिस एक्स वाई प्लेन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. एंड सो प्लीज थोड़ा इमेजिनेशन पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्लोली एंड स्लोली वी विल डू दैट. सो ये एक्स एक्सिस एक्चुअली ऐसे निकल के आ रही है. सो दिस प्लेन, कैन यू इमेजिन दिस? ना, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज फॉलिंग, एंड नाउ यू विल ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन बोथ एक्सिस. सो दिस एंगल इज 90, कैन यू इमेजिन दिस? दिस एंगल इज ऑल्सो 90, एंड दिस डिस्टेंस इज वाई, दिस डिस्टेंस इज parallel to x-axis, so it is x, and this distance is, right? So the address of this point is x, comma y, comma z. Yes? This is the address of this point. So, ye jo point P hai, yahi point P spherical polar coordinate mein aayega, और यही पॉइंट पी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी आएगा. एंड दिस पॉइंट पी इज डिफाइंड बाय, प्लीज लिसन इट केयरफुली, दिस पॉइंट पी इज डिफाइंड बाय जहां पे तीन प्लेन्स परपेंडिकुलर वो कट करते हैं. थ्री परपेंडिकुलर प्लेन्स कट, उस पॉइंट को हम पी पॉइंट कहेंगे. ओके okay? So, यहां पे क्या होगा कि आप जरा ध्यान से सोचना, अगर मैं y के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ कर दूं, सो देयर y विल बी कांस्टेंट. यस सर. अगर मैं z के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो z विल नॉट बी चेंजिंग, z विल बिकम कांस्टेंट. यस यस सर. यस सर. तो y एंड देन x के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो x विल ऑल्सो बी कांस्टेंट. So these perpendicular surfaces, please remember the word, बहुत ही important है, perpendicular surfaces, जहां cut करते हैं, that is this point P. Can I call that surfaces as planes? Yes sir. No. क्यों नहीं sir? सिर्फ rectangular coordinate system में मैं उसको plane कहूंगा, क्योंकि वो सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन है, बाकी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कर्व्ड सरफेस है. ओके सर. यस सर. आर यू अंडरस्टैंड? यस सर. अब ये डेफिनेशन अगर रेक्टेंगुलर में पकड़ लो, तो इस अगर प्लेन कह दिया तो तुम्हारे दिमाग में प्लेन ही स्फेरिकल पोलर में भी रहेगा, प्लेन ही सिलेंड्रिकल में रहेगा, विच इज रॉन्ग. सो लेट अस सी वन फिगर. ये एक्चुअली मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज सी दिस. जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट और जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरीके के तीन प्लेन्स कट कर रहे हैं. कट कर रहे हैं या नहीं? यस सर. सी एवरीबॉडी? यस सर. तो जो पी पॉइंट है वहां से पास होते हुए तीन प्लेन है. पहले एक बार में एक प्लेन को देखो, इस तरीके की हैबिट डेवलप करो, अर्जुन की तरह ना, जिसको देख रहे हो बस उसी को देखो. तो जिसको मैं बोल रहा हूं आप उसी को, बाकी को मत देखो. कॉम्प्लेक्स चीजों को देखने का ये तरीका होता है. सो सबसे पहले y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखो, जैसे कि सिर्फ वही हो. देखा? यस सर. एवरीबॉडी? यस सर. Now next, see z is equal to constant.
Yes, sir. Yes, sir. Now see x is equal to constant. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार में एक प्लेन को देखो, पहले एक बना, मैं और अच्छा कर सकता था अगर पावर पॉइंट पे पहले एक लगाता, फिर दूसरा लगाता, फिर तीसरा लगाता. चलो आगे से कुछ कुछ और करेंगे. सो ये तीनों प्लेन बने, ये तीनों प्लेन जहां कर रहे हैं, तो इसको मैं प्लेन क्यों बोल पा रहा, जरा बताओ. क्योंकि सिमिट्री रेक्टेंगुलर है. अगर ये सिमिट्री कुछ और होगी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, मैंने सरफेस कह दिया है. अब अगली क्लास में आप लोग एक पेज के साथ रेडी रहना, इस तरीके के साथ. मैं जैसे वैसे पेज को फोल्ड करके और पूरे सरफेसेस को समझना, अगर आपको आता है तो भी समझो, यू विल एंजॉय लर्निंग. में जरूरी नहीं है कि हर चीज तभी हम डिस्कशन करें जब हमें वो चीज नहीं आती है, अगर आती है तो भी हम एंजॉय करते हैं. लाइक म्यूजिक ना, जो गाना पता है वो तो और ज्यादा सुनना पसंद आता है कि नहीं. ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर सरफेस, और इस सरफेस का नाम यहां, एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग. इसको यहां रेक्टेंगुलर सिस्टम में आई विल कॉल इट अ प्लेन. इज दैट ओके? इन रेक्टेंगुलर सिस्टम आई विल कॉल इट अ प्लेन. ठीक है भाई जी सर. अब बहुत ही लाइट मूड के साथ मैं एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस देता हूं, बिकॉज अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन में हूं, सपोज एक्स वाई प्लेन में, और सपोज ये पॉइंट है पी एंड दैट इज एक्स कॉमा वाई. सो ये कितने डायमेंशन में आ गया? टू डायमेंशन, राइट? टू डायमेंशन में दिस इज थीटा, दिस इज आर. यस सर. सो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? आर कॉमा थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स. दिस इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट? सो दिस इज इन टू डायमेंशन, यू नो फ्रॉम द ज्योमेट्री. ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, सो व्हाट विल डिस्टेंस? आर कॉस थीटा, राइट? एंड व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? आर साइन थीटा. आर साइन थीटा, ओके. सो मैं इस क्वांटिटी को, 1D हो या 2D हो या 3D हो, इस क्वांटिटी को, क्योंकि पोजीशन आ रहा है, इस पे अगर मैं एक वेक्टर लगा दूं तो इसका नाम पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. दिस विल बी पोजीशन वेक्टर. And this will be telling the direction. This will be from origin. और हम उस direction में generally बनाते हैं जिस direction में vector बढ़ रहा है. ध्यान से देखो, ये हर सबके साथ केस नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के साथ इतना सिंपल है कि वेक्टर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और तुम्हें दिखाई भी दे रहा है. प्लीज सी दिस, यहां छोटा है, नाउ इट इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज द डायरेक्शन, राइट? यस सर. सो This is a vector. इसके दो component हैं, और component is one of the very important things, जो कि बहुत ही पहले को पता है, but मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी चीज आगे use करूं और बाद में आप कह दो कि सर आपने तो discuss ही नहीं किया. So what is component? ये vector है two dimension में, तो ये vector दो vector से मिलके बना है, एक ये vector और दूसरा ये vector, right? क्योंकि इस वेक्टर को तुमने ब्रेक कर दिया इस वेक्टर में और इस वेक्टर में. एक्चुअली इस वेक्टर में ब्रेक किया है, ठीक है ना, इस वेक्टर में और इस वेक्टर में ब्रेक किया है, बट इसको तुम शिफ्ट करके यहां ले जा सकते हो, बिकॉज दिस इज अ सिंपल वेक्टर. चेंजिंग द डायरेक्शन यू कैन शिफ्ट. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? प्लीज सी दिस, आर विल बी दिस डिस्टेंस एक्स, और ये किस डायरेक्शन में है? तो अब अभी मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन नहीं किया है, तो मैं इसको एक्स वेक्टर लिख दे रहा हूं, और प्लस आई विल राइट वाई वेक्टर. इज दैट ओके? यस सर. आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर. सो दिस इज नोन एज वेक्टर सम. तो इसका मतलब जब हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं,
तो हमें वेक्टर का सम भी थोड़ा सा पता होना चाहिए. बहुत ही लाइट वे में डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज आपको थोड़ा बहुत ये चीजें पता भी है और इस आइडिया को 3D में कर ले. ठीक है, ये नोट कर लिया सबने भाई? मिटा दूं? यस. ओके, नाउ इफ आई राइट दिस एज दिस सिस्टम, इट इज वेरी सिंपल क्योंकि यहां पे इसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वेक्टर. इस वेक्टर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन? नो सर. नॉट ऑल वेक्टर इज लाइक दैट, प्लीज रिमेंबर. यही कंफ्यूजन होता है रेक्टेंगुलर और जब हम दूसरे वे में जाते हैं. ये वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स है. तो अगर मैं इस डायरेक्शन का कोई नाम रख दूं एक्स कैप और इस वेक्टर के डायरेक्शन का नाम कोई वाई कैप रख दूं, कुछ इस तरह से कि आर वेक्टर बन जाएगा एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप. इज दैट ओके? यस सर. दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स. अब ये सब मैथमेटिक्स में एन डाइमेंशनल होते हैं. यहां पे हम 2D और 3D में डील करेंगे क्योंकि अभी हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं. आई वॉज रीडिंग अ वेरी नाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड द प्रोफेसर सेड दैट वी फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर्स वी गेट बोर्ड ऑफ वेक्टर्स. वी आर नॉट इंटरेस्टेड दैट मच. वी आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल, रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट वी आर we don't feel good about vectors, right? And that is true also. So hum bas khali kaam bhar ka hi cheeze padhte jayenge. So this is x x cap aur ye hum aisa isliye likh sakte hain ki direction badal nahi. This direction is same and this direction is also not changing. So I can permanently fix x cap y cap here. Ab ek bahut hi important baat dhyan se dekho. This the vector and if I want to calculate the direction, if I want to calculate the direction of the vector in x direction, then we can calculate del r by del x. This will give you unit vector. Aega batao? x cap. So ye bahut hi important formula ho gaya. Abhi yahan to bahut aasan lag raha hai, but kisi complicated case mein agar aap kaha jaye ki bhai इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ तो इसके कोफिशिएंट के साथ डेरिवेटिव कर दोगे. अब जरा जनरल लिखूं, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डैश 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 प्लस एक्स एन प्लस डैश डैश डैश. सो यूनिट वेक्टर इन एक्स एन डायरेक्शन, हेलो, डेल एक्स बाय डेल एक्स एन. दिस इज द जनरलाइज्ड वन और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए मैं पहले से ही आपको धीरे धीरे वो टैबलेट्स देता जा रहा हूं जो रिक्वायर्ड है. सो इज दिस ओके? यस सर. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन बताओ जरा. डेल आर बाय डेल वाई. एंड व्हाट विल यू गेट? अब यहीं से ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आगे जाके आएगा जब यहां पे फंक्शंस आ जाएंगे, बट अभी उसके बारे में सोचना नहीं है. तो अभी तो बहुत ही छोटी सी शुरुआत हुई है कि अगर इस डायरेक्शन में चाहिए रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, इस डायरेक्शन में चाहिए y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव. अगर z होता तो 3D में डेल r बाय डेल z. ठीक है, इज दैट ओके? तो दिस इज यूनिट वेक्टर, इसको अलग से लिख लो और इसकी डेफिनेशन में लिख लो, इट विल बी डेल एक्स बाय डेल एक्स एन. ओके, एंड इन अ वेरी सिंपल वे वी डिफाइन, अगर कोई वेक्टर है आर, सो वी डिफाइन यूनिट वेक्टर एज आर कैप. इफ इट इज अ सिंपल वेक्टर, वी डिफाइन इट एज आर बाय मॉड ऑफ आर. दिस इज नोन एज मॉडुलस. इसको क्या कहते हैं? We call it modulus. So what is modulus of R in this case? This will be under root of x square plus y square. And you can get the argument also theta.
So this is a p x comma y. So you can get argument theta will be tan inverse y by x. ये सब आपकी मेमोरी में है, मैं जस्ट आपको एक बार बता रहा हूं. Is that okay? Yes, sir. So can I erase this? Yes, sir. Okay. अगर मेरे पास एक छेड़ो सर आप म्यूट हैं. अभी आ रही आवाज? यस सर सो ध्यान से देखना वेक्टर और वेक्टर फील्ड. सो वेक्टर जो है वो तुम किसी पॉइंट पे ही उसका सम एक्सेट्रा निकालोगे. जैसे कि मान लो एक कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स होने चाहिए, तब आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो. राइट जैसे तुमने देखा होगा दो वेक्टर हैं, अगर इधर उधर हैं तो तुम उनको लाके सम कर देते हो. यू सो दैट इज रिक्वायर्ड देयर. बट वेक्टर फील्ड जो होगा दिस वी विल बी यूजिंग, जिसमें इन सब के कोफिशियंट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड आर थीटा फाई रो फाई जेड. सो हमें जनरलाइज्ड वे में किस पे फोकस करना है? वेक्टर फील्ड पे, जैसे कि फोर्स फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड. सो दीज ऑल आर एक्चुअली वेक्टर फील्ड्स. सो हमारा सामना किससे होने वाला है? इस टाइप की क्वांटिटीज से होने वाला है, ना कि सिंपल वेक्टर से. तो आप ध्यान रखो कि आपके पास जब ई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू विल राइट ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई वाई कैप प्लस ई जेड जेड कैप. तो ई एक्स ई वाई ई जेड क्या होगा? टेल मी. कॉम्प्लिकेटेड विल इट बी नंबर? इट विल बी फंक्शन. इट विल बी फंक्शन. ये सिंपल नंबर्स नहीं होंगे. शुरू में एक दो केस आपको खुश करने के लिए बता दिया जाएगा जहां पे नंबर्स होंगे, but finally they will come out to be some functions, right? Yes sir. So isliye hame ye dhyan rakhna hai ki hame field formulation seekhna hai. We have to understand that we have to do field formulation, right? So itna hi filhal aapko vectors ki zarurat hai. Baki jaise jaise aayega main aapko batata jaunga. To itne mein to kisi ko koi confusion nahi hai ya koi problem nahi hai. Tell me. No sir. No sir. Is there any confusion or any problem? I don't think so. Yes? Okay.